तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर्मूला में डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन। जी हाँ, डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन हम बात करेंगे। सबसे पहले इस चीज को जानिए कि एक्सेल में हम डेट को टाइम कैसे करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है इसको जानना कि हम एक्सेल में डेट को कैसे टाइप। तो डेट को टाइप करने के लिए क्या है कि आपका ये पता होना चाहिए कि आपका सिस्टम किस फॉर्मेट का है। कैसे पता चलेगा, यहां देखिए आपका 6/29/2020 छठा महीना और 29 तारीख, मतलब कि आपका MMDD है। तो यहां आज की अगर डेट टाइप करनी है तो 6/ और यहां पे हम 29 लिखेंगे। डेट करेंट ईयर की है, मतलब किसी साल की है जिस साल आप टाइप कर रहे हो, तो ईयर डालने की जरूरत नहीं है, वो खुद बखुद ईयर एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर का डालते हैं तो आपको ईयर स्लैश करके डालना पड़ेगा, नहीं तो आप एंटर प्रेस कीजिए, डेट आ जाए। ये चीज का ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे 10 जनवरी लिखना है, तो बहुत सारे लोग इस तरह से लिख देते, लेकिन ये देखिए ये आपका 1 अक्टूबर हो गया, क्योंकि हम लोग पेपर में तो ऐसे लिखते हैं तो आदत होती है। लेकिन अगर ऐसे लिखने की आदत है तो अल्फाबेट कर दे, जैसे कि 10 जैन इस तरह से कर देंगे तो फिर वो जैन ही लेगा, आपका चेंज नहीं करेगा, इसका ध्यान रखिए। लेकिन अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि कुछ कंपनी या कुछ पीसी ऐसे हैं जिसमें डेट चेंज होता है, क्योंकि अगर किसी की MMDDY नहीं DDMMYY हुई तो क्या होगा कि उसका 10 जनवरी मेरे यहाँ 1 अक्टूबर बन जाएगा और मेरा 1 अक्टूबर उसके यहाँ 10 जनवरी बन जाएगा। सो उसके लिए हुआ कि सेपरेट करके भेजे। तो सबसे पहले बात जानिए कि मेरे पास एक डेट का फॉर्मूला है। इस डेट के फॉर्मूले में आप यहां पे ईयर दे दीजिए, आप यहां पे मंथ दे दीजिए और मंथ 6। एक सिस्टम के किसी भी फॉर्मेट पे जाएगा तो आपका ये 29 जून ही रहेगा। तो इसको मैनुअल लिखना पड़ेगा? जी नहीं, हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला है ईयर का जो कि ईयर को अलग करता है, दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास मंथ का जो इसमें से मंथ को अलग करता है, और तीसरा फॉर्मूला है यहाँ पे आपके पास डे का जो कि डेट में से डे को अलग करता है। यहाँ पे जो 12 जुलाई दिख रहा है तो किस डेट का फॉर्मेट था, तो इसको आप जनरल कर दीजिए। जनरल करने का शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+1। फिर इसके बाद यहाँ पे हम डेट का फॉर्मूला लगा देते हैं। डेट में हम ईयर को सिलेक्ट करेंगे, मंथ को सिलेक्ट करेंगे और डे को सिलेक्ट करेंगे तो हमारा डेट आएगा। तो किसी भी डेट को एवलुएट कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ईयर मंथ और डे में, और फिर डेट फॉर्मूले से आपस में कंबाइन कर लीजिए। ये हो गया। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें अगला ऑप्शन आता है। हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, एक है टुडे का। टुडे का फॉर्मूला क्या करता है, करेंट सिस्टम डेट देता है। जी हाँ, टुडे का फॉर्मूला करेंट सिस्टम डेट देता है। और एक फॉर्मूला है नाउ का जो कि डेट और टाइम दोनों देता है। और ध्यान रखिएगा कि जो डेट और टाइम एक साथ लिखते हैं तो ये आपका, मैं इसको नंबर फॉर्मेट या जनरल फॉर्मेट करूंगा तो इस तरह से आएगा। तो 44011 है और 0.2963636 दिख रहा है। तो जो नंबर्स में है वो आपका डेट है और जो पॉइंट्स है वो आपकी टाइम। ओके यस सर। आगे चलिए कैलकुलेशन में आपको अच्छा लगेगा। अब इसमें हम बात कर रहे हैं डेट में कुछ कैलकुलेशंस। तो आज का डेट मैं यहाँ पे लिख देता हूं,
मैं चाहता हूं कि इसमें 20 दिन जोड़ना है, तो कुछ नहीं करना है आपको, इसमें प्लस 20 कर दीजिए। जी हाँ, डेट के अंदर प्लस 20 कर दीजिए। लेकिन मैं चाहता हूं अपने डेट में 3 महीना जोड़ना। अब ऐसा नहीं है कि आप इसमें 90 जोड़ दीजिए, एक गलत होगा। तो इसके लिए हमारे पास ई डेट का फॉर्मूला है, ई डेट, और हमने सिलेक्ट किया डेट को और सिलेक्ट किया मंथ। एंटर प्रेस करोगे तो नंबर फॉर्मेट में आएगा, जनरल फॉर्मेट में आएगा, इसको आप डेट फॉर्मेट में सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट हैश को यूज कर सकते हैं। तो ये आपका डेट आ गया। अगर मुझे माइनस करने हो तो इसी में -3 कर दीजिए, माइनस हो जाए। अब बात आती है अगली की, किस डेट में मुझे 2 साल 4 महीने और 22 दिन ऐड करना है। अब 2 साल 4 महीने 22 दिन ऐड करने के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, तो कैसे करें इसको? तो इसको करने का एक तरीका है। क्या तरीका है? तो ऊपर आपको मैंने बताया कि हमने अलग अलग डेट में से ईयर मंथ को लिया और यहाँ पे ऐड कर, तो क्या हम यहीं पे ईयर जोड़ सकते हैं, यहीं पे मंथ जोड़ सकते हैं और यहीं पे डे जोड़ सकते हैं इस तरह, और डेट आएगा ना। तो यहां चलिए देखते हैं, बताते हैं आपको कैसे करेंगे। डेट हमने ईयर ले लिया, इसमें से ईयर अलग होगा और प्लस 2 हमने कर दिया, या फिर रेफरेंस ले लीजिए। इसके बाद मंथ हमने इसको सिलेक्ट किया और इसमें 4 महीना, और फिर हमने यहाँ पे डे सिलेक्ट किया। सर अच्छा, इसमें कोड लग गया, और इसको आप कंट्रोल शिफ्ट हैश करके डेट फॉर्मेट बना लीजिए। तो ये डेट ऐड करने के लिए हमने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं एक बिटवीन टू डेट्स के बीच में हम डिफरेंस कैसे निकालें। जी हाँ, टू डेट के बीच में हम डिफरेंस कैसे निकालें। डिफरेंस डेट में निकालना है आपको,
तो लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट कर दीजिए, लेकिन इसके लिए एक फॉर्मूला भी है वो भी ले सकते हैं। फॉर्मूला का नाम है डेज, ये नया फॉर्मूला बना हुआ है। डेज में आप लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज नहीं करना होता है तो वहां पे भी इसका यूज करते हैं। लेकिन डिफरेंस को मुझे इसमें निकालना है, डेज में नहीं निकालना, मुझे डिफरेंस में नेट चाहिए, नेटवर्क डेज चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास नेटवर्क डेज होता है। जी हाँ, नेटवर्क डेज, हमने नेटवर्क डेज ले लिया और स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, और इसमें आपको कोई छुट्टी वाले दिन है लिस्ट, मतलब कि आप यहां पे ले लीजिए कोई जो 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, ऐसे। तो इन दो डेटों के बीच में सैटरडे एंड संडे को कंसीडर नहीं किया है। जी हाँ, सैटरडे संडे को कंसीडर नहीं किया गया है, और इसमें आपको जो लिस्ट मैंने दिया है होलीडे का, उस होलीडे के लिस्ट को कंसीडर नहीं किया है। अब मान लीजिए कि मुझे मेरे ऑफिस की छुट्टी सैटरडे एंड संडे नहीं, मंडे टू संडे से होती है, या फ्राइडे होती है, या फ्राइडे सैटरडे होती है, तो उस केस में आपको यूज करना होगा नेटवर्क डेज डॉट INDL स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, और यहां पे आप सेलेक्ट कर लीजिए अपना लिस्ट ऑफ होलीडे। मैंने सेलेक्ट कर लिया कि संडे ओनली, यहां पे एंट्री किया तो 155 आ गया। इसमें होलीडे लिस्ट भी है, जैसे मान लीजिए सैटरडे संडे, संडे के अलावा जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी छुट्टियां हैं, उसको आप सेलेक्ट कर सकते। जय कुमार जी, गुड मॉर्निंग। कुमार जी ज्वाइन हुए हैं हमारे साथ। तो हमारे पास
ये हो गया कि अगर हमें डिफरेंस निकालना हो इसमें, लेकिन अगर डिफरेंस निकालना हो मंथ में, मैं चाहता हूं कि इन दोनों के बीच में कितना महीने का गैप हुआ है, तो उसके लिए एक एडिंस फॉर्मूला होता है डेट डिफरेंस, डीआईएफ, डेट डिफरेंस। और इसमें आप स्टार्ट डेट एंड डेट और यहां पे दे दीजिए कि आपको क्या ना चाहिए, ईयर चाहिए, डे चाहिए, तो आपको डिफरेंस इन द मंथ दिखा दिया कि 5 मंथ है। अब इसमें एक चीज और आती है बात कि मुझे किसी का एज डिफरेंस निकालना है, जैसे आज की किसी का डेट ऑफ बर्थ DOV मान लीजिए 10 जुलाई 10 जुलाई 1987, तो इसका एज कितना, एज में ईयर कितना है, मंथ कितना है और डे कितना है, मुझे पता करना चाहिए कितना दिन, कितना मंथ और कितने डे हो गए, कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के हो चुके। क्या करेंगे, हमारे पास डेटेड इफ का डेट DIF का फॉर्मूला डेट डिफरेंस, हमने इसको सिलेक्ट किया और करेंट डेट के लिए मैं टुडे लगा सकता हूं, टुडे, और मुझे क्या चाहिए, ईयर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे वाई कर दिया, प्रेस किया तो ईयर लेके 32 साल आ गया। मुझे महीना चाहिए, तो वैसे महीना के तो वही डेट एडिफ अभी हमने लगाया तो वही लगा देते हैं, लेकिन स्टार्ट डेट यहाँ पे हमने टुडे का फॉर्मूला दिया, यहाँ पे अगर इन्वर्टेड कॉमा में मैंने एम डाल दिया तो एज इन मंथ हो जाएगा। आ गया 395, लेकिन मुझे 32 साल के बाद कितना महीना हुआ है वो देखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहां पे मैं वाई एम कर दूंगा। अब मैं यहां पे डेटेड इफ किया और हमने लिया स्टार्ट डेट और करेंट डेट में हमने ले लिया टुडे का, टुडे, और यहां पे हमने कर दिया एम डी, एम डी डी को भी डी आ जाएगा, तो यहां पे एम डी करना हो तो 19 दिन, तो 32 साल 11 महीने और 19 दिन, मतलब कि मैं आज हो गया 32 साल 11 महीने और 2 दिन का, मतलब कि आधी जिंदगी चली गई मेरी, आधी बची है, समझ गया सर। जब हेलो जय कुमार जी, दीपक जी, समझ में आया आपको, जय कुमार जी, ठीक है सर। तो एज निकालने के लिए एक तो हुआ कि डिफरेंस इन द मंथ निकालना है तो आप इसका यूज कर सकते हो, या किसी का एज, एजिंग निकालना हो पूरा कंपनी तो इसका यूज कर सकते हो, और अच्छा दिखाने के लिए इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं कि एज इज इस तरह से, एज इज आया, हमने बोला 32 25 ईयर, किया और यहां पे डेट,
आ गया। इस तरह से कंबाइन किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि किसी पर्टिकुलर डेट है हमारा, मुझे इस महीने की लास्ट डेट देखना है, तो हमारे पास ईओ मंथ है जो कि बताता है एंड ऑफ द मंथ कि इस महीने का लास्ट डेट क्या है। ईओ मंथ में बताया कि इस महीने की लास्ट डेट 21 जून, लेकिन हमने इसमें क्या है कि 1 दे दूंगा तो ये अगले महीने की लास्ट डेट दिखाएगी, और -1 दे दूंगा तो पिछले महीने की लास्ट डेट दिखाएगी। अब ऐसा नहीं कि 01 ही देना है, इसमें हम नंबर कोई भी दे सकते हैं। अगर हमने -2 दे दिया तो 2 महीने का, अगर हमने +2 दे दिया तो अगले 2 महीने का, तो जो भी नंबर डालेंगे, जैसे हमने 12 कर दिया माइनस तो पिछले साल का दिखा दिया। इस तरह से आप देख सकते हैं ईओ मंथ की मदद से। अब मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग डेट को टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख देते हैं, तो कैसे कन्वर्ट करें, तो हमारे पास डेट वैल्यू का फॉर्मूला है, वो लगाइए डेट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इससे भी एक है कि कुछ लोग डेट जो है उनको हैश कर लीजिए डेट आ जाएगा। कुछ लोग डेट को कुछ इस तरह से लिखते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आज ही का डेट है, तो 29/06/2020 तो इस तरह के कुछ डेट्स होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि डॉट लगा हुआ है तो कैसे से कन्वर्ट करें। अगर मान लीजिए हम सब्स्टिट्यूट से स्लैश भी कर देते हैं, फिर भी आपका डीडी एमएम वाई वाई हो जाएगा, क्योंकि मेरा सिस्टम है एमएम डीडी वाई वाई। तो उसके लिए एक हमारे पास एक तरीका है, हम जाते हैं सेलेक्ट करते हैं डेटा मेनू बार में जाते हैं टेक्स्ट टू कॉलम, टेक्स्ट टू कॉलम में आते हैं नेक्स्ट और नेक्स्ट। यहां पे डी एम वाई दिख रहा होगा, इस डी एम वाई को लेते हैं और यहां पे फ्रीज कर दिया। समझ गए? यस सर। तो एक इसका यूज हम करते हैं, और यही नहीं कुछ कुछ डेट तो �से भी होते हैं, आप देखेंगे 2/06/09। कुछ ऑप्शन इस तरह का आते हैं, तो इसको भी किया जा सकता है। और यहाँ पे डिलिमिटेड नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पे आईएमडी कर दीजिए। दोनों तरीका है जिसका यूज आप लोग कर सकते हैं, जय कुमार जी और दीपक जी आप। अब आता है जैसे कि मान लीजिए आज की डेट में हमने बैंक को एक रिक्वेस्ट दिया, बैंक ने बोला कि विद इन 20 डेज में आपकी प्रॉब्लम सेव हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि 20 डेज मतलब कि हमने तो 20 ऐड कर दिया और मेरी प्रॉब्लम जो है 19 तक सॉल्व हो जाएगी, जी नहीं। उन्होंने 20 वर्किंग डेज कहा है, जिसमें सैटरडे संडे या जो बैंक हॉलीडे है उसकी अलावा उसको काउंट नहीं करना। तो डेट क्या होगी, तो हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला है वर्क डे का, उस सिलेक्ट किया नंबर ऑफ डेज को सिलेक्ट किया
और होली रिलीज दी सैटरडे एंड संडे के अलावा कोई डेट है उसको सिलेक्ट कर लिया और एंटर प्रेस किया तो आपके सामने डेट आ गया। लेकिन मेरा बैंक सिर्फ संडे को बंद होता है या फ्राइडे को बंद होता है वगैरह वगैरह, तो उसके लिए आपके पास workdays.intl है। हमने इसको सिलेक्ट किया, कॉमा इसको सिलेक्ट किया और आपको देना होगा होलीडे, ये हमारा होलीडे क्या है। तो मान लीजिए कि संडे है सिर्फ, तो संडे को सिलेक्ट किया। उसके बाद संडे के अलावा 26 जनवरी, 15 अगस्त ऐसे जो मंथ है वो क्या होगा, एंटर प्रेस किया और हम इसमें आगे से हमारे पास सर अभी। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, लीव करना चाहूंगा, मैं भी जाना होगा मुझे। ठीक, तो मैं कह रहा था कि डेट डेट की कैलकुलेशन समझ में आ गई ना। हाँ सर, यहाँ तक का क्लियर है डेट बोलो। और 7 बजे